भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की मारूफ तरीन जोड़ी काजोल और अजय देवगन ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लिया है। काजोल अपनी बेटी न्यासा के साथ सिंगापुर जा रही हैं, जबकि अजय देवगन भारत में अपने बेटे यज्ञ के हमराह रहेंगे। भारतीय रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया भर में खौफ की अलामत बनने वाले कोरोना वायरस की वजह से अदाकार काजोल अपनी इकलौती बेटी न्यासा को अकेले सिंगापुर नहीं भेजना चाहती, इसलिए उन्होंने खुद भी न्यासा के साथ सिंगापुर जाने का फैसला कर लिया है। अजय देवगन और काजोल की बेटी न्यासा सिंगापुर में पढ़ती हैं और रिहाइश भी वहीं है, अलबत्ता वो आजकल भारत आई हुई हैं। कोरोना वायरस की वजह से काजोल और अजय को फिक्र है उनकी बेटी वहां अकेले कैसे रहेगी। काजोल और अजय नहीं चाहते कि न्यासा की पढ़ाई पर कोई असर पड़े, इसलिए अब काजोल न्यासा के साथ सिंगापुर में रहेंगी। भारतीय रिपोर्ट के मुताबिक न्यासा सिंगापुर के यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया में तालीम हासिल कर रही हैं। साल 2018 में अजय देवगन ने सिंगापुर में एक अपार्टमेंट भी खरीदा था ताकि न्यासा को रहने में कोई परेशानी ना हो। काजोल इसी फ्लैट में जाकर बेटी के साथ रहेंगी और अजय देवगन अपने बेटे यज्ञ के साथ मुंबई में रहेंगे।